नमस्कार मित्रों, ये पौधा जो आप देख रहे हैं, जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट हैं या फूल वाले पौधे हैं या जो फल के पौधे हैं, उन सब पौधों में मैं किस तरह का खाद प्रयोग करता हूँ वो आज आपको दिखा रहा हूँ। मैं कभी भी केमिकल खाद किसी भी पौधे में नहीं डालता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं, प्याज का छिलका है। तो प्याज के छिलका में जब गर्मी थी तो इसे एक दिन धूप में रखकर मिक्सी में पीस लिया करता था और उसे ही मिट्टी में मिला देता था। लेकिन अब बरसात आ चुका है, इसलिए धूप में सुखाना तो मुश्किल है। तो मैं इसे पानी में डालकर 2 दिनों के लिए छोड़ दूंगा। 2 दिनों के बाद ये पानी का रंग लाल हो जाएगा, तो पत्तियों को छान कर निकाल देना है और पानी जितना पानी बचा उतनी ही मात्रा में और सादा पानी मिलाकर हम इसे किसी भी तरह के पौधे में डाल सकते हैं। साथ ही पका केला का छिलका खाने के बाद जो छिलका बचता है, तो मैं गर्मियों में उसे भी सुखा देता था और मिक्सी में पीस करके मिट्टी में प्रयोग करता था। लेकिन अब बरसात आने पर केला को भी इसी तरह से पानी में डालकर 2 दिन आप छोड़ दें और उसे किसी भी तरह के पौधे में प्रयोग करें। इसके अलावा मैं और क्या प्रयोग करता हूँ दिखा रहा हूँ। ये सरसों की खली है, तो सरसों की खली 2 मुट्ठी थोड़ा सा और डाल देता हूँ। इतना काफ़ी है। तो इस तरह से सरसों की खली को भी हम पानी डाल करके इसे भी हम 3 दिनों के लिए छोड़ेंगे। 3 दिन के बाद जो इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे, घोलने में के बाद 1 जग पानी में करीब 1.5 जग सादा पानी या 2 जग सादा पानी मिला दें और तभी प्रयोग करें, नहीं तो फंगस की समस्या बरसात में आ सकती है। गर्मी में तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो फूल वाले पौधे हैं जिस पर फूल नहीं आते, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह कॉफ़ी है, मैं कॉफ़ी और चाय पत्ती, फ्रेश चाय पत्ती, बनी हुई मैं प्रयोग बहुत ही कम करता हूँ। मेहनत है, अब उतना धोइए सुखाइए, तो मैं फ्रेश ही लाता हूँ। और फ्रेश चाय पत्ती इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट, मैं कई 2 साल से प्रयोग कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। वैसे पौधे भी जिस पर फूल नहीं आ रहे थे, तो 3-4 बार डालने पर ही फूल आने लगे। तो मैं इसी तरह के बाल्टी, सस्ती बाल्टी हर एक माल से खरीद लिया हूँ, इसी में खाद बनाता हूँ। आप देख रहे हैं, यह सस्ता 30-40 रुपये में मिल जाता है। पहले तो 20 ही रुपये में मिल जाता था, लेकिन अब बढ़ गया है दम, तो शायद 30 रुपये या 40 रुपये होगा। ये पहले का खरीदा हुआ है, 20 रुपये में मिला था। तो आप भी बरसात में, हालांकि बरसात में गार्डन में थोड़ा काम कम हो जाता है, पानी डालना, ज़्यादा रख रखाव मेंटेनेंस नहीं है, सिर्फ पानी से बचाइए, पौधा बहुत ही मस्त चलेगा।
पानी से अगर बचा लिए तो। साथ ही ये गोल्डन टाइम है किसी भी तरह की कटिंग लगाने के लिए, ढेर सारा कटिंग लगाइए अगर आपके पास जगह है तो, और अगर खुली ज़मीन है तो बड़े पेड़ लगाएं, तो पौधा लगाएं जो आगे चल करके पेड़ बने, इसलिए कि ऑर्नामेंटल। देखिए एक ये क्या है ये देख रहे हैं, ये पौधा में घुसा हुआ था। अब बताइए ये तो नहीं देखता तो सारी पत्तियाँ ये आ जाता, नहीं देखने पर टिड्डा है। बिहार में इसे राम जी की सवारी भी लोग बोलते हैं, लेकिन ये कोई राम जी की सवारी वाली नहीं है, ये एक कीड़ा है, ये पत्तियों को खा जाता है। धान वाले खेत में भी ये अक्सर बहुत ज़्यादा लगता है और पूरी पत्तियां को नष्ट कर देता, पौधों को ख़राब कर देता है। तो खैर तो अभी मित्रों अधिक से अधिक पौधे लगाएं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।